व्यास जी से मिली हुई सिद्धि अर्जुन के लिए किस प्रकार सहायक थी युधिष्ठिर क्या वास्तव में भीष्म द्रोण कर्ण आदि से भयभीत हो गए थे कितनी अद्भुत बात है जानते हैं आगे क्या हुआ वैशंपायन जी कहते हैं न श्रेष्ठ जन्मेज कुछ काल के अनंतर धर्मराज युधिष्ठिर को व्यास जी के संदेश का स्मरण होया तब उन्होंने परम बुद्धिमान अर्जुन से एकांत में वार्तालाप किया शत्रुओं का दमन करने वाले धर्मराज धर्मराजर ने दो घड़ी तक वनवास के विषय में चिंतन करके किंचित मुस्कुराते हुए अर्जुन के शरीर को हाथ से स्पर्श किया और एकांत में उन्हें सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा भारत आजकल पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण और अश्वथामा इन सब में चारों पादों से युक्त संपूर्ण धनुर्वेद प्रतिष्ठित है दे, देव देव ब्राह्म और मानुष तीनों पद्धतियों के अनुसार संपूर्ण अस्त्रों के प्रयोग की सारी कलाएं जानते हैं उन अस्त्रों के ग्रहण और धारण रूप प्रयत्न से तो वे परिचित हैं ही शत्रुओं द्वारा प्रयुक्त एवं अस्त्रों की चिकित्सा अर्थात निवारण के उपाय को भी भली भांति जानते हैं उन सब को धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने बड़े आश्वासन के साथ रखा है और की सामग्री देकर संतुष्ट किया है इतना ही नहीं वह उनके प्रति गुरु जनोचित बर्ताव करता है अन्य संपूर्ण योद्धाओं पर भी दुर्योधन सदा ही बहुत प्रेम रखता है उसके द्वारा सम्मानित और संतुष्ट किए हुए आचार्यगण उसके लिए सदा शांति का प्रयत्न करते हैं जो लोग उसके द्वारा समय समय पर सम्मानित हुए हैं वे कभी उसकी शक्ति क्षीण नहीं होने देंगे पार्थ आज यह सारी पृथ्वी ग्राम नगर समुद्र वन तथा खानों सहित दुर्योधन के वश में है तुम ही हम सब लोगों के अत्यंत प्रिय हो हमारे उद्धार का सारा भार तुम पर ही है शत्रु दमन अब इस समय के योग्य जो कर्तव्य मुझे उचित दिखाई देता है उसे सुनो तात मैंने श्री कृष्ण द्विपायन व्यास जी से एक रहस्यमय विद्या प्राप्त की है उसका विधिवत प्रयोग करने पर समस्त जगत अच्छी प्रकार से जीव का त्यों स्पष्ट दिखने लगता है उस मंत्र विद्या से युक्त एवं एकाग्रचित होकर तुम यथा समय देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त करो भरत श्रेष्ठ अपने आप को उग्र तपस्या में लगाओ धनुष कवच और खड़ग धारण किए साधु व्रत के पालन में स्थित हो मौनावलंबन पूर्वक किसी को आक्रमण का मार्ग न देते हुए उत्तर दिशा की ओर जाओ धनंजय इंद्र को समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान है। से डरे हुए संपूर्ण देवताओं ने उस समय अपनी सारी शक्ति इंद्र को ही समर्पित कर दी थी वे सब दिव्यास्त्र एक ही स्थान में हैं। तुम उन्हें वहीं से प्राप्त कर लोगे अतः तुम इंद्र की ही शरण लो वही तुम्हें सब अस्त्र प्रदान करेंगे आज ही दीक्षा ग्रहण करके तुम देवराज इंद्र के दर्शन की इच्छा से यात्रा करो वैशम जी कहते हैं जन्मे जय ऐसा कहकर शक्तिशाली धर्मराज युधिष्ठ ने मन वाणी और शरीर को संयम में रखकर दीक्षा ग्रहण करने वाले अर्जुन को विधि पूर्वक पूर्वोक्त प्रतिस्मृति विद्या का उपदेश दिया तदनंतर बड़े भाई युधिष्ठ ने अपने वीर भाई अर्जुन को वहां से प्रस्थान करने की आज्ञा आज्ञा दी। धर्मराज की की से देवराज इंद्र का दर्शन करने की इच्छा मन कर। महाबाहु धनंजय ने अग्नि में आहुति दी और सुवर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देकर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया तथा गांडीव धनुष और दो महान अक्षय तुणीर साथ ले कवच तलत्राण तथा अंगुलियों की रक्षा के लिए कोह के चमड़े का बना हुआ अंगुली चित्र धारण किया इसके बाद ऊपर की ओर देख लंबी सांसें खींचकर धृतराष्ट्र पुत्रों के वध के लिए महाबाहु अर्जुन धनुष हाथ में लिए वहां से प्रस्थित हुए कुंती नंदन अर्जुन को वहां धनुष लिए जाते देख सिद्धों ब्राह्मणों तथा अदृश्य भूतों ने इस प्रकार कहा कुंती कुमार तुम अपने मन में जो जो इच्छा रखते हो वह सब तुम्हें शीघ्र प्राप्त हो इसके बाद ब्राह्मणों ने अर्जुन को विजय सूचक आशीर्वाद साधन करो तुम्हें अवश्य विजय प्राप्त हो शाल वृक्ष के समान कंधे और जांघों से सुशोभित वीर अर्जुन को इस प्रकार सबके चित्त को चुराकर प्रस्थान करते देख द्रौपदी इस प्रकार बोली कुंती कुमार महाबाहु धनंजय आपके जन्म लेने के समय आर्य कुंती ने अपने मन में आपके लिए जो जो इच्छाएं की थी तथा आप स्वयं भी अपने हृदय में जो जो मनोरथ रखते हो वे सब आपको प्राप्त हो हम लोगों में से कोई भी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न ना हो उन ब्राह्मणों को नमस्कार है जिनका भिक्षा से निर्वाह हो जाता है मुझे सबसे बढ़कर दुख इस बात से हुआ है कि उस पापी दुर्योधन ने राजाओं से भरी सभा में मेरी ओर देखकर और मुझे गाय अनेक पुरुषों के उपभोग में आने वाली कहकर मेरा उपहास किया उस दुख से भी बढ़कर महान कष्ट मुझे इस बात से हुआ कि उसने भरी सभा में मेरे प्रति बहुत सी अनुचित बातें कही वीरवर निश्चय ही आपके चले जाने के बाद आपके सभी भाई जागते समय आप ही के पराक्रम की चर्चा बार बार करते हुए अपना मन बहलाएंगे पार्थ दीर्घकाल के लिए आपके प्रवासी हो जाने पर हमारा मन ना तो भोगों में लगेगा और ना धन में ही इस जीवन में भी कोई रस नहीं रह जाएगा आपके बिना हम इन वस्तुओं से संतोष नहीं पा सकेंगे पार्थ हम सबके सुख दुख जीवन मरण तथा राज्य ऐश्वर्य आप भर ही निर्भर हैं भरत कुंती कुमार मैंने आपको विदा दी आप कल्याण को प्राप्त हो निष्पाप महाबली आर्य पुत्र आप बलवानों से विरोध न करें यह मेरा अनुरोध है विघ्न बाधाओं से रहित हो विजय प्राप्ति के लिए शीघ्र यात्रा कीजिए धाता और विधाता को नमस्कार है आप कुशल और स्वस्थता पूर्वक प्रस्थान कीजिए धनंजय ह्री श्री कीर्ति द्युति पुष्टि उमा लक्ष्मी और सरस्वती ये सब देवियां मार्ग में जाते समय आपकी रक्षा करें आप बड़े भाई का आदर करने वाले हैं उनकी आज्ञा के पालक हैं, भरत श्रेष्ठ मैं आपकी शांति के लिए वसु रुद्र आदित्य मरुदगण विश्वदेव तथा साध्य देवताओं की शरण लेती हूं भारत भौम अंतरिक्ष तथा दिव्य भूतों से और दूसरे भी जो मार्ग में विघ्न डालने वाले प्राणी हैं, उन सब से आपका कल्याण हो वैशम जी कहते हैं राजन ऐसी मंगल कामना करके यशस्विनी द्रौपदी चुप हो गईं। तदनंतर पांडुनंदन महाबाहु अर्जुन ने अपना सुंदर धनुष हाथ में लेकर सभी भाइयों और मुनि को दाहिने करके वहां से प्रस्थान किया महान पराक्रमी और महाबली अर्जुन की यात्रा करते समय उनके मार्ग से समस्त प्राणी दूर हट जाते थे क्योंकि वे इंद्र से मिला देने वाले प्रतिस्मृति नामक योग विद्या से युक्त थे परंतु अर्जुन तपस्वी महात्माओं द्वारा सेवित पर्वतों के मार्ग से होते हुए दिव्य पवित्र तथा देव सेवित हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे महामना अर्जुन योग युक्त होने के कारण मन के समान तीव्र वेग से चलने में समर्थ हो गए थे अतः वे वायु के समान एक ही दिन में उस पुण्य पर्वत पर पहुंच गए हिमालय और गंधमाधन पर्वत को लाग कर उन्होंने आलस से तदनंतर इंद्रकेल पर्वत पर पहुंचकर अर्जुन ने आकाश में उच्च स्वर से गूंजती हुई एक वाणी सुनी तिष्ट यही ठहर जाओ तब वे वही ठहर गए यह वाणी सुनकर पांडुनंदन अर्जुन ने चारों ओर देखकर यह जाना कि वहां कोई नहीं है इतने में ही उन्हें वृक्ष के मूल भाग में बैठे हुए एक तपस्वी महात्मा दिखाई दिए वे अपने ब्रह्मदेद से उद्भासित हो रहे थे उनकी अंगकांति पिंगल वर्ण की थी सिर पर जटा बड़ी हुई थी और शरीर अत्यंत कृष था उन महातपस्वी ने अर्जुन को वहां खड़े हुए देखकर पूछा तात तुम कौन हो जो धनुष बाण कवच तलवार तथा दस्ताने से सुसज्जित हो क्षत्रिय धर्म का अनुगमन करते हुए यहाँ आए हो यहाँ अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है यह तो क्रोध और हर्ष को जीते हुए तपस्या में तत्पर शांत ब्राह्मणों का स्थान है यहां कभी कोई युद्ध नहीं होता इसलिए यहां तुम्हारे धनुष का कोई काम नहीं है तात, यह धनुष यहीं फेंक दो तो। अब तुम उत्तम गति को प्राप्त हो चुके हो वीर आज और तेज में तुम्हारे जैसा दूसरा कोई पुरुष नहीं है इस प्रकार उन ब्रह्मर्षि ने हंसते हुए बार बार अर्जुन से धनुष को त्याग देने की बात कही परंतु अर्जुन धनुष न त्यागने का दृढ़ निश्चय कर चुके थे अतः उन्हें धैर्य से विचलित नहीं कर सके तब उन ब्राह्मण देवता ने पुनः प्रसन्न होकर उनसे हंसते हुए कहा शत्रुसूदन तुम्हारा भला हो मैं साक्षात इंद्र हूँ मुझसे कोई वर मांगो यह सुनकर गुरुकुल रत्न शूरवीर अर्जुन ने सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र से हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक कहा भगवान मैं आपसे संपूर्ण अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ यही मेरा अभिष्ट मनोरथ है अतः मुझे यही वर दीजिए तब महेंद्र ने प्रसन्नचित हो हंसते हुए से कहा धनंजय जब तुम यहां तक आ पहुंचे तब तुम्हें अस्त्रों को लेकर क्या करना है आप इच्छा अनुसार उत्तम लोक मांग लो क्योंकि तुम्हें उत्तम गति प्राप्त हुई है यह सुनकर धनंजय ने पुनः देवराज से कहा देवेश्वर मैं अपने भाइयों को वन में छोड़कर शत्रुओं से दहर का बदला लिए बिना लोभ अथवा कामना के वशीभूत हो ना तो देवत्व चाहता हूँ ना सुख और ना संपूर्ण देवताओं का ऐश्वर्य प्राप्त कर लेने की ही मेरी इच्छा है यदि मैंने वैसा किया तो संपूर्ण लोगों में मुझे महान अपयश प्राप्त होगा अर्जुन के ऐसा कहने पर विश्ववंदित वृत्रिक विनाशक इंद्र ने मधुर वाणी में अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहा तात, जब तुम्हें तीन नेत्रों से विभूषित त्रिशूलधारी भूतनाथ भगवान शिव का दर्शन होगा तब मैं तुम्हें संपूर्ण दिव्यास्त्र प्रदान करूंगा कुंती कुमार तुम उन परमेश्वर महादेव जी का दर्शन पाने के लिए प्रयत्न करो उनके दर्शन से पूर्णतः सिद्ध हो जाने पर तुम स्वर्ग लोक में पधारोगे अर्जुन से ऐसा कहकर इंद्र पुनः अदृश्य हो गए तत्पश्चात अर्जुन योगयुक्त हुए वहीं रहने लगे जन्मे जी ने कहा भगवान अनायास ही महान कर्म करने वाले कुंती नंदन अर्जुन की यह कथा मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ उन्होंने किस प्रकार अस्त प्राप्त किए पुरुष सिंह महाबाहु तेजस्वी धनंजय उस निर्जन वन में निर्भय के समान कैसे चले गए थे ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उस वन में रहकर पार्थ ने क्या किया भगवान शंकर तथा देवराज इंद्र को कैसे संतुष्ट किया विप्रवर मैं आपकी कृपा से यह सब बातें सुनना चाहता हूं सर्वज्ञ आप दिव्य हैं और मनुष्य सभी वृतांतों को जानते हैं ब्राह्मण मैंने सुना है कभी संग्राम में परास्त न होने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ अर्जुन भगवान शंकर के साथ अत्यंत अद्भुत अनुपम और रोमांचकारी युद्ध में डट गए थे जिसे सुनकर मनुष्यों में श्रेष्ठ शूरवीर कुंतीपुत्रों के हृदय में भी दैन्य हश और विस्मय के कारण कंपकंपी छा गई थी अर्जुन ने और भी जो-जो कार्य किए थे वे सब भी मुझे बताइए शूरवीर अर्जुन का अत्यंत सूक्ष्म चरित्र भी ऐसा नहीं दिखाई देता जिसमें थोड़ी सी भी निंदा के लिए स्थान हो अतः वह सब मुझसे कहिए। वैशंपायन जी ने कहा तात, महात्मा अर्जुन की वह कथा दिव्य अद्भुत और महत्वपूर्ण है इसे मैं तुम्हें सुनाता हूं अनग देवदेव महादेव जी के साथ अर्जुन के शरीर का जो स्पर्श हुआ था उससे संबंध रखने वाली यह कथा है तुम उन दोनों के मिलन का यह वृतांत भली भांति सुनो राजन अमित पराक्रमी महाबली महाबाहु, अर्जुन, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात महारथी और सुस्थिर चित वाले थे युधिष्ठिर की आज्ञा से देवराज इंद्र तथा देवादी देव भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए कार्य की सिद्धि का उद्देश्य लेकर अपने उस दिव्य कांडिव धनुष और सोने की मूठ वाले खड़क को हाथ में लिए उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत की ओर चले तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके बड़ी उतावली के साथ जाते हुए वे अकेले ही एक भयंकर वन में पहुंचे जो नाना प्रकार के फल फूलों से भरा था भांति भांति के पक्षी जहाँ कलरव कर रहे थे अनेक जातियों के मृग उस वन में सब ओर विचरते रहते थे तथा कितने ही सिद्ध और चारण निवास कर रहे थे कुंती नंदन अर्जुन ने उस निर्जन वन में पहुंचते ही आकाश में शंखों और नगाड़ों का गंभीर घोष गूंज उठा पृथ्वी पर फूलों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी मेघों की घटा गिरकर आकाश में सब ओर छा गई उन दुर्गम वन स्थलियों को लांघकर अर्जुन हिमालय के पृष्ठ भाग में एक महान पर्वत के निकट निवास करते हुए शोभा पाने लगे वहां उन्होंने फूलों से सुशोभित बहुत से वृक्ष देखे जो पक्षियों के मधुर शब्द से गुंजायमान हो रहे थे उन्होंने वैदुर्य मणि के समान स्वच्छ जल से भरी हुई शोभा में कितनी ही नदियां देखी जिनमें बहुत से भवरे उठ रहे थे हंस कार्णव तथा सारस आदि पक्षी वहां मीठी बोली बोलते थे तटवर्ती वृक्षों पर कोयल मनोहर शब्द बोल रही थी क्रौच के कलरव और मयूरों के कैका ध्वनि भी वहां सबूर गूंजती रहती थी उन नदियों के आसपास मनोहर वन श्रेणी सुशोभित होती थी हिमालय के उस शिखर पर पवित्र शीतल और निर्मल जल से भरी हुई उन सुंदर सरिताओं का दर्शन करके अतिरथी अर्जुन का मन प्रसन्नता से खिल उठा उग्र तेजस्वी महामना अर्जुन वहां वन के रमणीय प्रदेशों में घूम फिरकर बड़ी कठोर तपस्या में संलग्न हो गए कुशा का ही चीर धारण किए तथा दंड और मृग चर्म से विभूषित अर्जुन पृथ्वी पर गिरे हुए सूखे पत्तों का ही भोजन के स्थान में उपयोग करते थे एक मास तक भी तीन तीन रात के बाद केवल फलाहार करके रहे दूसरे मास को उन्होंने पहले की अपेक्षा दूने दूने समय पर अर्थात छह छह रात के बाद फलाहार करके व्यतीत किया तीसरा माह पंद्रह पंद्रह दिन में भोजन करके बिताया चौथा महा आने पर भरत श्रेष्ठ पांडुनंदन महाबाहु अर्जुन केवल वायु पीकर रहने लगे वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाए बिना किसी सहारे के पैर के अंगूठे के अग्रभाग के बल पर खड़े रहे अमित तेजस्वी महात्मा अर्जुन के सिर की जटाएं नित्य स्नान करने के कारण विद्युत और कमलों के समान हो गई थी तदनंतर भयंकर तपस्या में लगे हुए अर्जुन के विषय में कुछ निवेदन करने की इच्छा से वहां रहने वाले सभी महर्षिधारी महादेव जी की सेवा में गए। उन्होंने महादेव जी को प्रणाम करके अर्जुन का वह तपरूप कर्म कह सुनाया वे बोले भगवान ये महातेजस्वी कुंती पुत्र अर्जुन हिमालय के भाग में स्थित हो अपार एवं उग्र तपस्या में संलग्न है और संपूर्ण दिशाओं को घुमांचित कर आपकी पूजा कर रहे हैं देवेश्वर वे क्या करना चाहते हैं इस विषय में हम लोगों में से कोई नहीं जानता है वे अपनी तपस्या के संताप से हम सब महर्षियों को संतप्त कर रहे हैं अतः है आप उन्हें तपस्या से सद्भावपूर्वक निवृत्त कीजिए पवित्र चित्त वाले उन महर्षियों का ये वचन सुनकर भूतनाथ भगवान शंकर इस प्रकार बोले महर्षियों तुम्हें अर्जुन के विषय में किसी प्रकार का विषाद करने की आवश्यकता नहीं तुम आलस्य रहित हो शीघ्र ही प्रसन्नता पूर्वक जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ अर्जुन के मन में जो संकल्प है मैं उसे भली भांति जानता हूं उन्हें स्वर्गलोक की कोई इच्छा नहीं है वे ऐश्वर्य तथा आयु भी नहीं चाहते वे जो कुछ पाना चाहते हैं वह सब मैं आज ही पूर्ण करूंगा दशमपायन जी कहते हैं भगवान शंकर का यह वचन सुनकर वे सत्यवादी महर्षि प्रसन्नचित हो फिर अपने आश्रमों को लौट गए दशमपायन जी कहते हैं जन्मज्य उन सब तपस्वी महात्माओं के चले जाने पर सर्व पापहारी भगवान शंकर के रात वेश धारण करके सुवर्णमय वृक्ष के सदृश दिव्य कांति से उद्भासित होने लगे उनका शरीर दूसरे मेरु पर्वत के समान दीप्तिमान और विशाल था वे एक शोभायमान धनुष और सर्पों के समान विषाक्त बाण लेकर बड़े वेग से चले मानो साक्षात अग्निदेव ही देह धारण करके निकले हों उनके साथ भगवती उमा भी थी जिनका व्रत और वेश भी उन्हीं के समान था अनेक प्रकार के वेश धारण किए भूतगण भी प्रसन्नता पूर्वक उनके पीछे हो लिए थे इस प्रकार किरात वेश में छिपे हुए श्रीमान शिव सहस्त्रों स्त्रियों से घिरकर बड़ी शोभा पा रहे थे भरतवंशी राजन उस समय वह प्रदेश उन सबके चलने फिरने से अत्यंत सुशोभित हो रहा था एक ही क्षण में वह सारा वन शब्द रहित हो गया और पक्षियों तक की आवाज़ बंद हो गई। महान पराक्रम करने वाले कुंतीपुत्र अर्जुन के निकट आकर भगवान शंकर ने अद्भुत देखने वाले मूक नामक अद्भुत दानव को देखा जो सुअर का रूप धारण करके अत्यंत तेजस्वी अर्जुन को मार डालने का उपाय सोच रहा था उस समय अर्जुन ने गांडित धनुष और विशैले सर्पों के समान भयंकर बाण हाथ में ले धनुष पर चढ़ाकर उसकी तंकार से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके कहा अरे तू तो यहां आए हुए मुझ निरपराध को मारने की घात में लगा है इसलिए मैं आज पहले ही तुझे यमलोक भेज दूंगा सुदृढ़ धनुष वाले अर्जुन को प्रहार के लिए उद्धव किरात रूपधारी भगवान शंकर ने उसे सहसा रोका और कहा इंद्रकील पर्वत के समान कांति वाले इस स्वर को पहले से ही मैंने अपना लक्ष्य बना रखा है अतः तुम ना मारो। परंतु अर्जुन ने किरात के वचन की अभेलना करके उस पर प्रहार कर ही दिया साथ ही महातेजस्वी किरात ने भी उसी एकमात्र लक्ष्य पर बिजली और अग्निशिखा के समान तेजस्वी बाण छोड़ा उन दोनों के छोड़े हुए वे दोनों बाण एक ही साथ मूख दानव के पर्वत सदृश विशाल शरीर में लगे जैसे पर्वत पर बिजली की गड़गड़ाहट और वज्रपात का भयंकर शब्द होता है उसी प्रकार उन दोनों बाणों के आघात का शब्द हुआ इस प्रकार प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान अनेक बाणों से घायल होकर वह दानव फिर अपने भयानक राक्षस रूप को प्रकट करते हुए मर गया इसी समय शत्रुनाशक अर्जुन ने सुवर्ण के समान कांतिमान एक तेजस्वी पुरुष को देखा जो स्त्रियों के साथ आकर अपने को किरात वेश में छिपाए हुए थे तब कुंती कुमार ने प्रसन्नचित होकर हंसते हुए कहा आप कौन हैं जो इस सोने वन में स्त्रियों से घिरे हुए घूम रहे हैं सुवर्ण के समान दीप्तिमान पुरुष क्या आपको इस भयानक वन में भय नहीं लगता यह सुर तो मेरा लक्ष्य था आपने क्यों उस पर बाण मारा यह राक्षस पहले मेरे पास आया था और मैंने इसे वश में कर लिया था। आपने किसी कामना से इस शुक्र को मारा हो या मेरा तिरस्कार करने के लिए किसी दशा में भी मैं आपको जीवित नहीं छोड़ूंगा यह मृग्या का धर्म नहीं है जो आज आपने मेरे साथ किया आप पर्वत के निवासी हैं तो भी उस अपराध के कारण मैं आपको जीवन से वंचित कर दूंगा पांडुनंदन अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान शंकर जोर जोर से हंस पड़े और सब्य साची पांडव से मधुर वाणी में बोले वीर तुम हमारे लिए वन के निकट आने के कारण भय न करो हम तो वनवासी हैं अतः हमारे लिए इस भूमि पर विचरना सदा उचित ही है किंतु तुमने तु यहाँ का दुष्कर निवास कैसे पसंद किया तपोधन हम तो अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए इस वन में सदा ही रहते हैं तुम्हारे अंगों की प्रभा प्रचुलित अग्नि के समान जान पड़ती है तुम सुकुमार हो और सुख भोगने के योग्य प्रतीत होते हो इस निर्जन प्रदेश में किस लिए अकेले विचर रहे हूँ अर्जुन ने कहा मैं गांडिव धनुष और अग्नि के समान तेजस्वी बाण का आश्रय लेकर इस महान वन में द्वितीय कार्तिकीय की भांति निर्भय यह प्राणी हिंसक पशु का रूप धारण करके मुझे ही मारने के लिए यहाँ आया था अतः इस भयंकर राक्षस को मैंने मार दिया किरात रूपधारी शिव बोले मैंने अपने धनुष द्वारा छोड़े हुए बाणों से पहले ही इसे घायल कर दिया था मेरे ही बाणों की चोट खाकर वह सदा के लिए सो रहा है और यमलोक में पहुंच गया मैंने ही पहले इसे अपने बाणों का निशाना बनाया अतः तुमसे पहले इस पर मेरा अधिकार स्थापित हो चुका था मेरे ही तीव्र प्रहार से इस दानव को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा मंदबुद्धि तुम अपने बल के घमंड में आकर अपने दोष दूसरे पर नहीं मर सकते तुम्हें अपनी शक्ति पर बड़ा गर्व है अतः अब तुम मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकते धैर्य पूर्वक सामने खड़े रहो मैं वज्र के समान भयानक बाण छोड़ूंगा तुम भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझे जीतने का प्रयास करो मेरे ऊपर अपने बाण छोड़ो किरात की यह बात सुनकर उस समय अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ उन्होंने बाणों से उस पर प्रहार आरंभ किया तब किरात ने प्रसंचित से अर्जुन के छोड़े हुए सभी बाणों को पकड़ लिया और कहा ओ मूर्ख और मार मार और बाण मार इन मर्मभेदी भेदी नारोचों का प्रहार कर उसके ऐसा कहने पर अर्जुन ने सहसा बाणों की झड़ी लगा दी तदनंतर वे दोनों क्रोध में भरकर बारंबार सर्पाकार बाणों द्वारा एक दूसरे को घायल करने लगी उस समय उन दोनों की बड़ी शोभा होने लगी तत्पश्चात अर्जुन ने किरात पर बाणों की वर्षा प्रारंभ की परंतु भगवान शंकर ने प्रसन्न चित से उन सब बाणों को ग्रहण कर लिया पिनाकधारी शिव दो ही घड़ी में सारी बाण वर्षा को अपने में लीन करके पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रहे उनके शरीर पर तनिक भी चोट या क्षति नहीं पहुंची अपनी की हुई सारी बाण वर्षा व्यर्थ हुई देख धनंजय को को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे को देने लगे और बोले, अहो! हिमालय के शिखर पर निवास करने वाले इस किरात के अंग तो बड़े सुकुमार हैं। तो भी ये गांडिव धनुष से छूटे हुए बाणों को ग्रहण कर लेता है और तनिक भी व्याकुल नहीं होता यह कौन है साक्षात भगवान रुद्रदेव यक्ष, देवता अथवा असुर तो नहीं इस पर्वत पर देवताओं का आना जाना होता रहता है मैंने सहस्त्रों बाद जिन बाण समूहों की वृष्टि की है उनका वेग बिना भगवान शंकर के सिवा दूसरा कोई नहीं सह सकता यदि यह रुद्रदेव से भिन्न व्यक्ति है तो यह देवता हो या यक्ष मैं इसे तीखे बाणों से मारकर अभी यमलोक भेजता हूँ राजन यह सोचकर प्रसन्न अर्जुन ने सहस्त्रों को फैलाने वाले भगवान भास्कर की भांति सैकड़ों का प्रहार किया परंतु त्रिशूलधारी भूतवाहन भगवान भव ने हर्ष भरे हृदय से उन सब नाराजों को उसी प्रकार आत्मसात कर लिया जैसे पत्थरों की वर्षा हो उस समय एक ही क्षण में अर्जुन के सारे बाण समाप्त हो चले उन बाणों का इस प्रकार विनाश देखकर उनके मन में बड़ा भय समा गया। विजय अर्जुन ने उस समय भगवान अग्निदेव का चिंतन किया जिन्होंने खांडव वन में प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें दो अक्षय त्रणीर प्रदान किए थे वे मन ही मन सोचने लगे मेरे सारे बाण नष्ट हो गए अब मैं धनुष से क्या चलाऊंगा यह कोई अद्भुत पुरुष है जो मेरे सारे बाणों को खाए जा रहा है अच्छा अब मैं शूल के अग्रभाग से घायल किए जाने वाले हाथी की भांति इसे धनुष की कोटी अर्थात नोक से मारकर दंडधारी यमराज के लोक में पहुंचा देता हूँ ऐसा विचार कर महातेजस्वी अर्जुन ने किरात को अपने धनुष की कोटी से पकड़कर उसकी प्रत्यंचा में उसके शरीर को फंसाकर खींचा और वज्र के समान दुस्सह प्रहार से पीड़ित करना आरंभ किया। शत्रु वीरों का करने कुंती कुमार अर्जुन ने जब धनुष की कोटी से प्रहार किया तब उस पर्वतीय ने अर्जुन के उस दिव्य धनुष को ही अपने में लीन कर लिया। तदनंतर धनुष के ग्रस्त हो जाने पर अर्जुन हाथ में तलवार लेकर खड़े हो गए और युद्ध का अंत कर देने की इच्छा से वेग पूर्वक उस पर आक्रमण किया उनकी वह तलवार पर्वतों पर भी कुंठित नहीं होती थी अर्जुन ने अपनी भुजाओं की पूरी शक्ति लगाकर के मस्तक पर उस तीक्ष्ण धार वाली तलवार से वार किया परंतु उसके मस्तक से टकराते ही वह उत्तम तलवार टूक टूक हो गई तब अर्जुन ने वृक्षों और शिलाओं से युद्ध करना आरंभ किया तब विशालकाय किरात रूपी भगवान शंकर ने उन वृक्षों और शिलाओं को भी ग्रहण कर लिया यह देखकर महाबली महाबली कुमार अपने तुल्य से के राज रूप वाले भगवान शिव पर प्रहार करने लगे उस समय क्रोध के आवेश से अर्जुन के मुख से धूम प्रकट हो रहा था तदनंतर किरात रूपी भगवान शिव भी अत्यंत दारुण और इंद्र के वज्र के समान तो सह मुखों से मारकर अर्जुन को पीड़ा देने लगे फिर तो घमासान युद्ध में लगे हुए पांडुनंदन अर्जुन तथा किरात रूपी शिव के मुखों का एक दूसरे के शरीर पर प्रहार होने से बड़ा भयंकर चट चट शब्द होने लगा वृत्रासुर और इंद्र के समान उन दोनों का वह रोमांचकारी बाहुयुद्ध दो घड़ी तक चलता रहा तत्पश्चात वीर अर्जुन ने अपनी छाती से किरात को बड़े जोर से मारा तब महाबली किरात ने भी विपरीत चेष्टा करने वाले पांडुनंदन अर्जुन पर आघात किया उन दोनों की भुजाओं के टकराने और वक्षस्थलों के संघर्ष से उनके अंगों में धूम और चिंगारियों के साथ आग प्रकट हो जाती थी तदनंतर महादेव जी ने अपने अंगों में दबाकर अर्जुन को अच्छी तरह पीड़ा दी और उनके मूर्छित सा करते हुए उन्होंने तेज तथा रोष से उनके ऊपर अपना पराक्रम प्रकट किया भारत तदनंतर देव जी के अंगों से अवरुद्ध हो अर्जुन अपने पीड़ित अवयवों के साथ मिट्टी के लौंदे से दिखाई देने लगे महात्मा भगवान शंकर के द्वारा भली भांति नियंत्रित हो जाने के कारण अर्जुन की श्वास क्रिया बंद हो गई वे निष्प्राण की भांति चेष्टाहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े दो घड़ी तक उसी अवस्था में पड़े रहने के पश्चात जब अर्जुन को चेत हुआ तब वे उठकर खड़े हो गए। उस समय उनका सारा शरीर खून से लथपथ हो रहा था और वे बहुत दुखी हो गए थे तब वे शरणागत वत्सल पिनागधारी भगवान शिव की शरण में गए और मिट्टी की बेदी बनाकर उसी पर पार्थिव शिव की स्थापना करके पुष्पमाला के द्वारा उनका पूजन किया कुंती कुमार ने जो माला पार्थिव शिव पर चढ़ाई थी वह उन्हें किरात के मस्तक पर पड़ी दिखाई दी यह देखकर पांडव श्रेष्ठ अर्जुन हर्ष से उल्लासित हो अपने आपे में आ गए और किरात रूपी भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़े उस समय तपस्या के कारण उनके समस्त अवयव क्षीण हो रहे थे वे महान में पड़ गए थे उन्हें इस अवस्था में देखकर सर्व पापहारी बोले फागुन में तुम्हारे इस अनुपम पराक्रम शौर्य और धैर्य से बहुत संतुष्ट हूं तुम्हारे समान दूसरा कोई क्षत्रिय नहीं है अनक तुम्हारा तेज और पराक्रम आज मेरे समान सिद्ध हुआ है महाबाहु भरत श्रेष्ठ मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं मेरी ओर देखो विशाल लोचन मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं तुम पहले के नर नामक ऋषि हो तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर वे चाहे संपूर्ण देवता ही क्यों ना हो विजय पाओगे मैं तुम्हारे प्रेमवश तुम्हें अपना पाशुपतास्त्र दूंगा जिसकी गति को कोई रोक नहीं सकता तुम क्षण भर में मेरे उस अस्त्र को धारण करने में समर्थ हो जाओगे जी कहते हैं, वैश्वाल तदनंतर अर्जुन ने शूलपाणी महातेजस्वी महादेव जी का देवी पार्वती सहित दर्शन किया शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले कुंती कुमार ने उनके आगे पृथ्वी पर घुटने टेक दिए और सिर से प्रणाम करके शिवजी को प्रसन्न किया अर्जुन बोले धारी सर्व देवेश्वर देवदेव महादेव आप भग देवता के नेत्रों का विनाश करने वाले हैं आपकी ग्रीवा में नील चिन्ह शोभा पा रहा है आप अपने मस्तक पर सुंदर जटा धारण करते हैं प्रभु मैं आपको समस्त कारणों में सर्वश्रेष्ठ कारण मानता हूं आप त्रिनेत्रधारी तथा सर्वव्यापी हैं संपूर्ण देवताओं के आश्रय हैं, देव यह संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है देवता असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोगों में आपको पराजित नहीं कर सकते आप ही विष्णु रूप शिव तथा शिव स्वरूप विष्णु हैं, आपको नमस्कार है दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हरिहर रूप आप भगवान को नमस्कार है आपके ललाट में तृतीय नेत्र शोभा पाता है आप जगत का संघारक होने के कारण शर्व कहलाते हैं भक्तों की अभिष्ट कामनाओं की वर्षा करने के कारण आपका नाम मीडवाहन, वाहन अर्थात वर्षणशील है अपने हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले आपको नमस्कार है पिनाक रक्षक सूर्य स्वरूप मंगलकारक और सृष्टिकर्ता आप परमेश्वर को नमस्कार है भगवान सर्वभूत महेश्वर मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं आप भूतगणों के स्वामी संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले तथा जगत के कारण के भी कारण हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों से परे अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप तथा भक्तों के पापों को हरने वाले हैं कल्याणकारी भगवन मेरा अपराध क्षमा कीजिए भगवान मैं आप ही के दर्शन की इच्छा लेकर इस महान पर्वत पर आया हूं देवेश्वर यह शैल शिखर तपस्वियों का उत्तम आश्रय तथा आपका प्रिय निवास स्थान है प्रभो संपूर्ण जगत आपके चरणों में वंदना करता है मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए महादेव अत्यंत साहसवश मैंने जो आपके साथ ये युद्ध किया है इसमें मेरा अपराध नहीं है ये अनजान में मुझसे बन गया शंकर मैं अब आपकी शरण में आया हूँ आप मेरी उस धृष्टता को क्षमा करें वैशम जी ने कहा जिनमे तब महातेजस्वी भगवान वृषभ ध्वज ने अर्जुन का सुंदर हाथ पकड़कर उनसे हंसते हुए कहा मैंने तुम्हारा अपराध पहले ही क्षमा कर दिया फिर उन्होंने दोनों भुजाओं से खींचकर अर्जुन को हृदय से लगाया और प्रसंचित हो वृक्ष के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले भगवान रुद्र ने पुनः कुंती कुमार को सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा तो यह था अर्जुन और किरात वेशधारी भगवान शिव का अद्भुत युद्ध भगवान शिव किस प्रकार से समस्त अस्त्रों को अपने अंदर समा लेते थे ऐसे ही वह समस्त जीवों को भी क्या अपने अंदर समा लेते हैं जानते हैं अगले अध्याय में किस प्रकार की सांत्वना रुद्र ने अर्जुन को दी क्या अर्जुन जो चाहते थे वह उन्हें मिला नमस्कार मैं आभा शर्मा जावास यदि आपको मेरा यह प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें